हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ असदली एंड यू आर वाचिंग साइंटिस्ट एकेडमी। तो आज मैं आपको अपनी लैब दिखाऊंगा जिसमें मैं इंटरफेरोमीटर बनाने जा रहा हूं, और इनफैक्ट मैंने इंटरफेरोमीटर बना लिया है, तो उसका डेमोंस्ट्रेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो द आइडिया इज़ कि मैं जो है मार्क सेंटर इंटरफेरोमीटर बनाऊँगा, और वो जो है बेस्ड होगा हाफ वे प्लेट, पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर, टू मिरर्स, 150-50 नॉन पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर, वन बीम एक्सपेंडर एंड अनदर वन इज ऑब्वियसली यस टू बीम एक्सपेंडर। सो राइट, सो चलें स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये एक लेज़र सोर्स है जो 632 नैनोमीटर रेड लेज़र है, हीलियम नियॉन लेज़र, और इसके सामने हमने एक कोलिमेटिंग बीम लेंस रखी है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ जो है वो 100 मिलीमीटर है। उसके बाद हमने हाफ वे प्लेट रखा हुआ है, हाफ वे प्लेट के बाद एक पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर रखा हुआ है, और ये आप ये जो सर्कल दिख रहा है वो बीम स्प्लिटर के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर है। उससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक मिरर है जो 45 डिग्री पे ओरिएंटेड है, और उसके रास्ते में एक और हाफ वे प्लेट है, और हाफ वे प्लेट के सामने ये 50-50 नॉन पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर है जो कि पोलराइजेशन के अलावा बीम की इंटेंसिटी की बेस पे 50% ट्रांसमिट करता है, 50% रिफ्लेक्ट करता है। इसके रास्ते में एक हमने बीम एक्सपेंडर रखा है जो कि 50 मिलीमीटर फोकल लेंथ का है। तो ये एक आर्म है। इसी तरह दूसरे आर्म में हमने एक और मिरर रखा हुआ है जिससे लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, राइट, और इसका आउटपुट जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहें इसको रिकॉर्ड करना तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट ये न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर का जो स्टैंड है इसको लेना, और इसके रास्ते में आपने कैमरा सेंसर को रख देना, राइट। सो इस तरह अगर आप देखें तो कैमरा सेंसर जो है, यस, इसके अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है तो सेंसर में रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है कि फ्रिंजेस वहाँ पे जा रही हैं। सो फिलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। सो दिस इज़ हाउ द फ्रिंजेस लुक्स लाइक। सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये कि जो लेज़र लाइट है वो बाहर निकल रही है, यहाँ पे एमिट कर रही है सोर्स से, राइट, और ये वर्टिकली पोलराइज लाइट है, राइट, और बीम एक्सपेंडर है, बीम एक्सपेंड करती है, और रास्ते में हाफ वे प्लेट रखा हुआ है जो वर्टिकली पोलराइज लाइट को डायगनली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। और डायगनली पोलराइज लाइट जो है जिसमें 50% एस पोलराइजेशन है और 50% पी पोलराइजेशन है, वो इस पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर पे स्ट्राइक करेगा इस प्लेन पे, राइट। सो इस प्लेन में जब स्ट्राइक करेगा तो जो बीम ट्रांसमिट करेगी वो पी पोलराइज होगी, और वो बीम जो रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से, यूँ ये वाली बीम जो रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, ये एस पोलराइज होगी। अब एस पोलराइज लाइट जो है वो इधर आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होगी, आगे चली जाएगी, ठीक है, सो इस तरह चली जाएगी। सिमिलरली जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो एस पोलराइज होगी, ट्रांसमिटेड लाइट जो होगी वो पी पोलराइज होगी। तो पी पोलराइज लाइट जो है वो इधर आएगी, आते 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 जैसे ही हाफ वे प्लेट पे गुजरेगी तो दोबारा पी से एस बन जाएगी। सो यहाँ पे भी दूसरे बीम स्प्लिटर पे एस पोलराइज लाइट मिल रही है, और उधर से तो वैसे भी एस पोलराइज लाइट ही आ रही है, तो ये दोनों जब मर्ज करके मिलेंगे सेकंड बीम स्प्लिटर पे तो आपको इंटरफेरेंस इफेक्ट मिलेगा जो कि इस पे इसकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ये बीम्स मिल रही हैं, राइट। तो अब हमने इसको लेके जाना है कैमरे तक या स्क्रीन तक, तो हमने क्या किया है, हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं। एक ये आउटपुट है जो कि यहाँ पे देखा है, और एक ये आउटपुट है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो लिहाजा हम इसको ओवरलुक करते हैं एक पोर्ट में,
इसमें इंसुलेटर के एक पोर्ट को आगे बढ़ाते हैं और रास्ते में हमने बीम एक्सपेंडर रखा हुआ है जिसकी वजह से ये बीम एक्सपेंड होकर इतनी बड़ी दिखाई देती है। अदरवाइज़ अगर मैं इस लेंस या बीम एक्सपेंडर को हटा देता हूँ तो आपको बिल्कुल एक मिनिएचराइज किस्म की फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। तो इसको ज़्यादा विजिबल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पास में रास्ते में एक बीम एक्सपेंडर रख रहा हूँ। सो इस तरह ये इंटरफेरोमीटर काम करता है, राइट। और आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से ट्रिप रोटेल चेंज करता हूँ तो कुछ इस तरह फ्रिंजेस मूव होती हुई दिखाई दे रही। सो ये चीज़ है और ये इतना सेंसिटिव है कि अगर कहीं पे ज़रा से भी टेबल में मूवमेंट होगी ये इफेक्ट आपको यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलेगा, राइट।